हाय, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही है? अभी ज्योमेट्री का ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री से थोड़ा बहुत दोस्ती किया था, जान पहचान की थी, इंट्रोडक्शन का क्लास था। आज के क्लास में हम लोग ज्योमेट्री टॉपिक के अंतर्गत एंगल्स को पढ़ने वाले हैं, कोण कोण के बारे में जानेंगे। और मेरा यह मानना है कि अगर आप एंगल्स को अच्छे तरीके से समझ गए तो आपने ज्योमेट्री की आधी कहानी तो समाप्त कर दी। आपकी आधी जीत वहीं पर हो जाती है, यानी ज्योमेट्री का आधा हिस्सा समाप्त हो जाता है। तो एंगल्स होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, आप लोगों को पता है एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? आप नाम तो जानते होंगे, बस कभी काउंट करके ऐसे रखे नहीं होंगे। देखो, 15 प्रकार के कोण होते हैं। देर आर 15 टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोण कितने होते हैं? 15 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यून कोण। उसके बाद राइट एंगल यानी कि समकोण। उसके बाद होता है ऑब्ट्यूस एंगल जिसको अधिक कोण कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल जिसको रिजु कोण या सरल कोण भी आप कह सकते हो, रिफ्लेक्स एंगल जिसको बृहत कोण कहा जाता है, कंप्लीट एंगल जिसे हिंदी में पूर्ण कोण कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको आप पूरक कोण बोलते हो, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल जिसको संपूरक कोण हम लोग बोलते हैं, उसके बाद एडजेसेंट एंगल जिसे हम लोग आसन्न कोण कहते हैं या उभयनिष्ठ कोण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं समझाऊंगा, सबके बारे में समझाऊंगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल उसे कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल को हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण एंगल है, इसका उपयोग काफी होता है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। उसके बाद इंटीरियर एंगल जिसको अंतः कोण और एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण। तो कुल ये 15 प्रकार के एंगल होते हैं और इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने इतना तो समझ लिया कि कुल 15 प्रकार के कोण होते हैं, 15 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला टाइप जो था हमारा हुआ क्या था, बोलिए मेरे साथ, एक्यूट एंगल। मेरे साथ आप बोलिए। तो देखो होगा क्या ना कि अभी जितना बार मैं आपको यहां बोलूंगा ना, आपको अभी का अभी याद हो जाएगा, आपको बाद में रटने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ना कि अभी ये तो काफी आसान सा मामला है, इस पर क्या पढ़ना है। लेकिन देखो, इतना छोटा सा जो अभी हमारे पास कंसेप्ट है और इसमें आप किस तरह से ब्लंडर करते हो, क्या गलती करते हो। देखो, एक बार एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन आपका ये पूछा था कि न्यून कोण, न्यून कोण होते हैं और आपका ऑप्शन था हमेशा पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन था हमेशा निगेटिव, तीसरा ऑप्शन था कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलो बताओ तो आंसर क्या होगा, सोचकर आंसर रखना। मैं अभी बताता हूं न्यून कोण किसे कहते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि कोई कोण अगर जो थीटा है वह अगर 90 डिग्री से छोटा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। लेकिन यह आधी सच्चाई है। सच्चाई पूरी यह है कि न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को हम क्या बोलेंगे, तो न्यून कोण बोलेंगे। और जो 0 डिग्री से बड़ा होगा वह कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जब होगा तब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब आप इस प्रश्न का आंसर तो दे सकते हो कि न्यून कोण होते हैं क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आप में से कितने लोग सही आंसर दिए हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सच सच बताना कि जो सही सोचे होंगे। तो अभी आपका तो पहला सेक्शन यह था कि यहां पर एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, यानी कि वह एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। एग्जाम्पल के लिए आप यहां से ले सकते हो, अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं 10 डिग्री, 17 डिग्री, 81 डिग्री, 89 डिग्री, कुछ भी आप ले सकते हो, है ना, जो कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो आप इसको समझ चुके हो, आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद दूसरा कौन सा था,
दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल, है ना। तो ये तो काफी आसान है निश्चित रूप से। राइट एंगल किसे कहा जाता है, यानी कि 90 डिग्री का जो कोण होता है ना, 90 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह एंगल जो 90 डिग्री का हो। अगर कोई यहाँ पे कोई थीटा एंगल है और यह 90 डिग्री के बराबर है तो इसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। यहाँ पे कोई विशेष समस्या है नहीं, तो आप सभी समझ रहे होंगे 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहा जाता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री इज द राइट एंगल। क्लियर है। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास एंगल था, तीसरा एंगल कौन सा था, तीसरा एंगल मेरे साथ बोलते चलो, आप लोगों को अगर याद है साथ बोलते चलो तो अभी का अभी याद हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल है ना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अभी के कोण। अच्छा, कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, वह एंगल जो बड़ा हो किससे, तो 90 डिग्री से, लेकिन छोटा होना चाहिए किससे, 180 डिग्री से। ये दोनों साथ में लगना चाहिए। 90 डिग्री से सिर्फ बड़ा नहीं बोलेंगे, 90 डिग्री से बड़ा तो 90 डिग्री से बड़ा तो अनंत तक हम जा सकते हैं, जा सकते हैं ना। 90 डिग्री से बड़ा कोण हम अगर बात अगर करें, केवल अगर इतना कहें कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए तो वह तो अनंत तक जा सकता है, लेकिन हम उस अनंत तक के कोण को क्या हम बोल सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो 105 डिग्री, 175 डिग्री, 179 डिग्री, ये सभी जो एंगल होंगे वह ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल होंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद अगला कौन सा हमारे पास एंगल था, चौथा एंगल स्ट्रेट एंगल, है ना, स्ट्रेट एंगल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, रिजु कोण। देखो मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको किसी को परेशानी नहीं हो, इसको आप सरल कोण भी बोल सकते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, यानी कि जो सरल रेखा पर एंगल बनता है, और सरल रेखा पर यानी कि सीधी लाइन पे जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। यानी कि अगर कोई एंगल है 180 डिग्री का तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंगल बिल्कुल 180 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्लियर है, आगे बढ़े। पांचवा जो आपको एंगल बतलाए थे वह कौन सा था, याद होगा आपको, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, रिफ्लेक्स एंगल, जिसको क्या बोला जाता है, बृहत कोण। देखो एक इसको प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिवर्ती कोण इस नाम से भी हम पुकार सकते हैं। अभी आपको हिंदी ज्यादा टफ लग रहा होगा, अंग्रेजी ज्यादा आसान लग रहा होगा, जैसे भी आप समझो, याद बस रखना। तो एक कौन सा एंगल होगा, मान लेते हैं कोई थीटा एंगल है, तो यह अगर बड़ा हो जाए किससे, 180 डिग्री से, लेकिन याद रखना यह छोटा होना चाहिए 360 डिग्री से, तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, या बृहत कोण हिंदी में अगर आप बोलना चाहो तो बृहत कोण, या प्रतिवर्ती कोण बोल सकते हो। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से क्या है, छोटा है। अब 180 डिग्री से बड़ा है इसका मतलब तो अनंत तक भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, 360 डिग्री से यह छोटा भी होना चाहिए, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। यहां तक आप बात अगर समझ गए तो आप मुझे बताओ कि छठा कौन सा एंगल मैंने बतलाया था, कंप्लीट एंगल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, है ना, और एंगल का मतलब कोण, पूर्ण कोण। तो अगर कोई कोण 360 डिग्री का है, एग्जैक्ट 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यानी कि आप वैसे ही बात को समझो कि अगर आप किसी सर्कल को देखो तो यहां पर जो एंगल बनता है वह कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। यानी कि अगर मैं किसी बिंदु से चलूं और वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाऊं तो अभी मेरा पूरा का पूरा सर्कल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो जहां पे कंप्लीट हो जाए वह एंगल कौन सा होगा, तो 360 डिग्री का, और इसीलिए इस एंगल का नाम क्या है, कंप्लीट एंगल। क्लियर हुआ, छह अभी हम लोगों ने क्लियर किए हैं, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, तो आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बाद सातवें नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल, इसको एंगल्स, चूंकि यहां पे दो एंगल होते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक कोण। देखो अगर कोई दो एंगल है ना, मान लेते हैं एक एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल जो है बीटा है, अगर दोनों को जोड़ दें और दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री हो, दोनों को जोड़ने से क्या हो जाए 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। वे एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा कोण अल्फा, ऐसे लिखें कोण अल्फा, एक मिनट, कोण अल्फा का पूरक कोण बराबर बीटा, और कोण बीटा का पूरक कोण बराबर अल्फा, ऐसा कहा जा सकता है। अब देखो इसको लैंग्वेज में भी लिखने की आवश्यकता है क्या, लैंग्वेज में लिख दें। चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं, बोर्ड का यह पार्ट शायद आपको दिख रहा होगा, यहां पे मैं नोट कर लेता हूं। यदि यदि किसी दो कोणों का जोगफल 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहे जाते हैं। आप लोग उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री में अगर आप 60 डिग्री ऐड करो तो यह 90 हो जाएगा, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे 40 डिग्री, 50 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। अगर मैं पूछूं 1 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे 89 डिग्री, क्योंकि 1 plus 89 is equal to 90, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है, यहां तक तो अब क्लियर है, आगे बढ़ा जा सकता है। अगला तो अब आपको याद ही आ गया होगा, जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री पढ़े वैसे ही आपको याद आ गया होगा कि इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे, समपूरक कोण, इसे क्या कहा जाता है, समपूरक कोण कहा जाता है। अब यहां पर होता क्या है कि अल्फा और बीटा अगर दो कोण ऐसे हों जिनको जोड़ने से क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए। चलो इस एग्जांपल को पहले हटा लेते हैं, बात समझ पा रहे हो। अभी मैं यहां पे एडिट कर रहा हूं तो आप भी नहीं करना, आप अलग से लिख लेना। अभी यहां पे अल्फा और बीटा दो ऐसे कोण हो जिसको जोड़ने से अगर 180 डिग्री हो जाए, तब उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे, यानी कोण अल्फा का संपूरक जो कोण होगा वह क्या होगा, बीटा, और उसी प्रकार से कोण बीटा का संपूरक कोण क्या होगा, अल्फा। लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो तो बस यहां पे थोड़ा सा सुधार करना होगा, यदि किसी दो कोणों का जोगफल 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहे जाएंगे, संपूरक कोण कहे जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि 130 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे 50 डिग्री, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे 60 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो यह 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि 10 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे 170 डिग्री, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो यह 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। चलो यहां तक अगर बात समझ गए हो तो इसके आगे बढ़ते हैं। अभी 8 टाइप हमारे हुए हैं, कुल 15 टाइप है ना, अभी 7 टाइप बचे हुए हैं। 9 नंबर है ना, यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एडजेसेंट एंगल, हिंदी तो आपको याद ही होगा आसन कोण, हिंदी थोड़ा सा टफ पड़ता है अंग्रेजी से, इसको एक और नाम से जानते हैं उभयनिष्ठ कोण।
पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। आसन कोण का मतलब क्या होता है? देखो पड़ोसी समझते हो आप, पड़ोसी निकटवर्ती। अगर दो कोण जो एक दूसरे के पड़ोसी हों, दोनों एक दूसरे के नजदीक हों, उसे हम आसन कोण कहेंगे। ठीक है, यानी कि मैं चलो मैं पहले आपको डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद फिगर में बनाता हूं। आप ऐसे लिख सकते हो, यदि दो कोण जिनका सिर से तथा एक भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अच्छा, उभयनिष्ठ का मतलब आप जानते हो, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमन। ठीक है, साथ में आप अंग्रेजी भी लिख लेना अगर आपको उभयनिष्ठ में अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। यदि दो कोण ऐसे हैं जिनका सिर से और एक भुजा जो है वह क्या है? कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, तो उन्हें आसन्न कोण कहा जाता है। काफी छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन चूंकि अभी हमें शुरुआत करना है, बेसिक से मैं पढ़ाना चाहता हूं कि ताकि आप लोगों को कहीं समस्या ना हो। चलो मैं फिगर बनाता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक एंगल दिया हुआ है, जिसमें आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक आपको एंगल यहां दिखाई दे रहा है ना, एक एंगल आपको यहां इस भुजा पे दिखाई दे रहा है और एक एंगल यहां दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं यह एक और यह दो, मैं ऐसे नंबर देता हूं। तो अभी ये जो दोनों एंगल हैं उनका शीर्ष तो एक ही है ना, शीर्ष तो कॉमन है। अच्छा, एक भुजा देखो ये भी क्या है? कॉमन है ना, और दोनों कोण एक दूसरे के क्या है? नजदीक है। तो ऐसे कोण को क्या बोलेंगे? आसन कोण। दोनों पास में है ना, तो जब दोनों पास में है तो इन्हें हम आसन निकटवर्ती कोण कह सकते हैं, कहा जा सकता है। चूंकि इनका एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी जा रहा है। तो इस तरह का जहां एंगल दिखाई देगा वैसे एंगल को क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? अब देखो, जब आप यहां तक अगर बात समझ गए तो एक फिगर में और ड्रा करना चाहूंगा। मैं इसको मिटा सकता हूं, मिटा दूं ना। देखो मैं अगर इस तरह से एक फिगर अगर ड्रा करूं और यहां से एक मैं इस तरह से कोई भी इस तरह से एक रेखा अभी खींच लेता हूं, ठीक है, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है और यहां पे एक एंगल बन रहा है और यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये एक नंबर और एक दो, बताओ तो ये दोनों जो एंगल होंगे यह आसन कोण होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित रूप से आसन कोण होंगे, क्योंकि अभी तो डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अभी दोनों कोणों को बनाने वाली जो यह शीर्ष है वह क्या है? तो एक है, दोनों के शीर्ष कॉमन है और साथ में एक हमारे पास जो भुजा है वह चूंकि यह भुजा इस कोण का भी निर्माण कर रही है और ये भुजा इस कोण का भी निर्माण कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या होंगे? यह आसन कोण होंगे। लेकिन साथ ही साथ अभी जो इसके पहले मैंने फिगर बनाया था, दोनों फिगर में देखो अंतर होगा। अभी जो इसके पहले फिगर बनाया गया था तो फिगर कुछ इस प्रकार से हमने बनाया था ना, जहां पे इस तरह से आपका बना हुआ था, है ना। तो अभी यहाँ पे एक और दो नंबर मैंने दिया था और एक शेष आपका यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पर क्या है? तो ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये भी आसन कोण का उदाहरण है, ये भी आसन कोण का उदाहरण है। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? यहां पर इन दोनों कोणों का जो जोगफल होगा वह हमें मालूम नहीं कि क्या होगा, और यह भी बात पक्की है कि इन दोनों कोणों का जोगफल कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहां पर कोण वन और कोण टू का जो सम होगा वह हमें पता है कि 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे यह एक सरल रेखा को दो भागों में बांट करके बनाए गए एंगल हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो एक चीज देखो, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एडजेसेंट एंगल। और एक एंगल और भी जो हम लोगों ने टाइप में देखा था वह एंगल कौन सा था? 10 नंबर में मैं उसको रखता हूं। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? लीनर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको हम लोग क्या हिंदी में बोल सकते हैं? कोणों का रैखिक युग्म। अब देखो यहां पे किस तरह के एंगल को हम लोग इस टाइप के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी लीनर पेयर ऑफ एंगल्स हम कर सकते हैं। तो अभी यहां पे दो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों आसन कोण के एग्जांपल हैं।
लेकिन वह आसन कोण जिसके कोणों का जोगफल 180 डिग्री हो जाए, इस एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं ना, इस एग्जांपल में 180 डिग्री हो जाए, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनर पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर शब्द का मतलब क्या होता है, युग्म होता है ना, यानी जोड़ा, यानी कि वैसे कोणों के पेयर्स, वैसे दो कोण जिनका सम जो है 180 डिग्री का हो जाए। यहां पे हम कह सकते हैं ना, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पे कि वैसे वैसे दो आसन कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, उसे रैखिक के युग्म में कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दो हमारे पास एग्जांपल हैं और दोनों के दोनों एग्जांपल एडजेसेंट एंगल के हैं, लेकिन सिर्फ यह एग्जांपल जो है वह रैखिक युग्म का है, यह एग्जांपल जो होगा वह है लीनर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों के रैखिक युग्म का एग्जांपल नहीं हो सकता है। यानी कि वैसे दो आसन कोण, आसन कोण तो समझ गए, एडजेसेंट एंगल, वैसे दो आसन कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, वैसे कोणों को क्या कहा जाता है, रैखिक युग्म में कहा जाता है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, अभी पांच टाइप हमारे पास और हैं, और वे पांचों के पांचों टाइप अति महत्वपूर्ण है। अगला जो टाइप हमारे पास है, नंबर 11 में देता हूं, यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद है ना आप लोगों को, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इसको ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है ना। देखो जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कुछ इस प्रकार से दो लाइन हमारे पास है और यह एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो आपको क्रॉस में, जैसे आप यहां पे देखो एक एंगल बन रहा है और यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये दोनों जो एंगल होंगे ना, यह आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और जिसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है। और यहां पर इसका एक नेचर होता है, इसका एक गुण होता है कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार से एक एंगल आपको यहां दिखाई दे रहा है और एक एंगल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपको याद रखने वाली जो बात है वह यही है कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आगे के जो भी टाइप हैं उसको हमें देखने के लिए, अभी इसको थोड़ा सा हमें दो लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, यह दो लाइन है और देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर है और एक ट्रांसवर्स लाइन है, त्रिक लाइन है जो कि इसको दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अभी देखो दोनों को इंटरसेक्ट जब यह करेगी तो यहां पे कुल 8 कोण बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितने एंगल हुए, तो 8। अभी इस लाइन पे 4 एंगल और इस लाइन पे भी 4 एंगल है, तो अभी ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आप मुझे बताओ कि एंगल 1 और 2 क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना रैखिक युग्म में, लीनर पेयर ऑफ द एंगल्स इसका एग्जांपल है ना, आप इसको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हो, यानी कि आसन कोण भी बोल सकते हो, लेकिन यह वैसा आसन कोण है जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री होगा, तो इसे हम रैखिक युग्म भी कह सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसका टू क्या होगा, 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसका टू क्या होगा, तो ये भी 180 डिग्री। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए एंगल 1
प्लस एंगल 3 बराबर क्या होगा, तो आप कर सकते हो 180 डिग्री। एबी क्या है, सीधी लाइन पर है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री कहा जा सकता है ना। और ये सभी किसके उदाहरण है, तो लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स या एडजेसेंट एंगल के उदाहरण है कहा जा सकता है। अब देखो इसी में आप अभी जैसा हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा था, तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 जो है यह इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण है। और एंगल 2 जो होगा यह इक्वल होगा एंगल 3 के, कहा जा सकता है ऐसा, नहीं कहा जा सकता है, कहा जा सकता है ना। हम लोग इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे प्रूव किया जा सकता है, देखो अभी आपने क्या पढ़ा था, एंगल 1 और 2 180 डिग्री है, और यहां पर एंगल 1 और 3 क्या है 180 डिग्री है। तो देखो एंगल 1 और एंगल 1 ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, तो अभी एंगल 1 और एंगल 1 तो इक्वल हो गया, तो एंगल 2 और 3 को भी इक्वल होना होगा, तभी ना यह दोनों तरफ यह बात सत्य हो सकती है। तो एंगल 2 और 3 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वैसे ये बात हम लोग जानते हैं कि यह पूरा का पूरा जो सेट है यह रैखिक युग्म का उदाहरण है, और यह जो सेट है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का उदाहरण है। उसी प्रकार से आप यहां भी इस चीज को देख सकते हो, अभी यहां पे कह सकते हो कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इसका टू क्या होगा 180 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर क्या होगा, तो 180 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल 5 प्लस एंगल 7 इसका टू 180 डिग्री, और एंगल 6 प्लस एंगल 8 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यह लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स के उदाहरण है, यह रैखिक युग्म के उदाहरण है। इसी प्रकार से आप यह भी कह सकते हो कि एंगल 6 जो होगा वह एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 5 जो होगा वह एंगल 8 के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के एग्जांपल हैं, तो ये निश्चित रूप से बराबर होंगे। यहां तक कोई समस्या, जो चीज हम लोगों ने पढ़ा था उसको यहां पर देखा जा सकता है ना। अभी चूंकि ये दोनों लाइन पर अलग अलग हम लोगों ने कंक्लूजन निकाले, लेकिन अब जो हमें आगे पढ़ने हैं, अभी चार टाइप हमारे पास है ना, तो उन चारों टाइप को पढ़ने के लिए अभी हमको इन दोनों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से इसे फ्रेम को ड्रा करता हूं, चलो मैं दोबारा से ड्रा कर लेता हूं इस फिगर को, और ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। एंगल कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। अभी देखो हम लोगों ने कुल कितने 11 टाइप पढ़ लिए है ना, अभी हम लोगों को 12, 13, 14 और 15 कुल चार टाइप और पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, पहला तो यहां पे मैं लिख लूं अल्टरनेट एंगल, जिसे हिंदी में एकांतर कोण कहा जाता है, एकांतर कोण। अब साथ में पढ़ेंगे इन चारों को, उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत कोण। उसके बाद इंटीरियर एंगल, जिसको अंतःकोण। देखो ध्यान देना, कहीं कहीं आपको इंटीरियर एंगल को अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। इंटीरियर एंगल काफी है इतना समझने के लिए। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, है ना। अब चलो यहां पे हम लोग पहचान कर लेते हैं कि कौन कौन सा कोण यहां पे अल्टरनेट कोण है, कौन सा कोरेस्पॉन्डिंग है। देखो यहां पे जब कोई दो समानांतर रेखाएं होती हैं, मैं अभी यहां पे जो कुछ एंगल का नाम दिया हुआ है कुछ मैं मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। अभी इस प्रकार से यहां पर देखो, मैंने एंगल 3, 4, 5 और 6 बस इसको मैंने रखा है। एंगल 3 का जो वैल्यू होगा ना, वही वैल्यू एंगल 6 का होगा, और ये दोनों जो एंगल होंगे वह अल्टरनेट एंगल के एग्जांपल होंगे। इसे हम एकांतर कोण बोलेंगे, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 बोलेंगे। और यहाँ पे एंगल 4 है और यहाँ पे एंगल 5 है, एंगल 4 का जो वैल्यू होगा वह एंगल 5 के वैल्यू के बराबर होगा, और ये दोनों के दोनों जो है यह किसके एग्जाम्पल होंगे, तो अल्टरनेट एंगल के एग्जाम्पल होंगे। आप स्क्रीनशॉट एक ले लो। तो चलो अब इसके बाद
दोबारा से मैं उन एंगल्स को अभी लिख लेता हूं। बहुत आसान है समझना इसे। अभी यहां पर एंगल 1, 2 और उसके बाद एंगल 3, 4 और क्या क्या था, तो इधर मैंने लिखा था 5, 6, 7 और 8, यही था ना। तो अभी देखो यहां पे अल्टरनेट एंगल तो समझ में आ गया। अल्टरनेट एंगल कौन कौन सा भाई, तो 3 और 6 अल्टरनेट एंगल है, 4 और 5 इसको अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण बोलेंगे। 3 का जो वैल्यू होगा वही 6 का होगा और जो 4 नंबर एंगल का वैल्यू होगा वही 5 नंबर एंगल का वैल्यू होगा। अब आप यहां से देखो कि अब यहां पे इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो मैं दोबारा से मिटा रहा हूं। अभी क्या है ना, 3 और 4 को मैं मिटा लेता हूं और यहां से मैं 7 और 8 को मैं मिटा लेता हूं, है ना। तो अभी यहां से देखो हमारे पास यह एक लाइन है ना, और इस लाइन के ऊपर में और यहां पे एक लाइन है और इस लाइन के भी ऊपर में, यानी कि बिल्कुल संगत। संगत का मतलब क्या होता है ना, एक जैसा। संगत का मतलब क्या होता है, अक्सर जब कहीं पर संगीत वगैरह होता है वहां पे संगत शब्द होता है, यानी तालमेल बैठाना, हार्मोनिकल रिलेशन इसे कह सकते हैं। तो अभी यह जो लाइन है इस लाइन के ऊपर में, तो इस लाइन के भी ऊपर में जाएंगे। अच्छा, मेरे पास एक ट्रांसवर्स लाइन है, एक तिरछी लाइन है, तो तिरछी जो लाइन है तो इसके राइट और लेफ्ट में देखेंगे। तो आप अगर देखो तो ऊपर में इसके अगर हम लेफ्ट में देखें, यानी हम अपने लेफ्ट में जाएंगे, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो एंगल 1 का जो वैल्यू होगा वह एंगल 5 के बराबर होगा और एंगल 2 का जो वैल्यू होगा वह एंगल 6 के बराबर होगा। और ये दोनों जो एग्जाम्पल होंगे वह किसके एग्जाम्पल होंगे, तो एक क्रॉसपोंडिंग एंगल के एग्जाम्पल होंगे। चलो मैं यहां से अभी खींचकर यहां पे ला रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहां पे हम कह सकते हैं कि यह जो एग्जाम्पल होगा वह किसका होगा, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल का यानी कि संगत कोण का यह एग्जाम्पल होगा। बात समझ पा रहे हो। अभी देखो यहीं पर थोड़ा सा मैं अब यहां पे 1, 2 और यहां पे क्या था 3, 4, 5, 6 और यहां पे क्या है 7, 8। अब मैं क्या करता हूं कि अभी ऊपर वाले को मैं मिटा लेता हूं, है ना, दोनों तरफ। यानी कि अगर आप यहां पे देखो तो अभी इस लाइन के नीचे में 3 और 4 है और इस लाइन के नीचे में क्या है 7 और 8 है, और अभी भी तो संगत होगा ना। यानी कि जब ऊपर में हमारा 1 और 2 दिया हुआ था और यहां ऊपर में 5 और 6 दिया हुआ था, तो ये अगर संगत हुआ, तो अगर यहां नीचे 3 और 4 है तो नीचे अगर यहां 7 और 8 है तो ये भी क्या होगा, संगत होगा, यानी उसी के जैसा होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंगल 3 का जो वैल्यू होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, चलो ठीक है, एंगल 3 का जो वैल्यू होगा वह एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 4 का जो वैल्यू होगा वह एंगल 8 के बराबर होगा, और यह भी क्रॉसपोंडिंग एंगल यानी संगत कोण का ही एग्जाम्पल होगा। बात समझ पा रहे हैं। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर यहां पे 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, तो एंगल 1 का जो वैल्यू है वह एंगल 5 के बराबर था, और एंगल यहां पे हम लोगों ने 2 का वैल्यू एंगल 6 के बराबर लिया था, तो यहां पे यह दोनों जो बॉक्स है, ये दोनों का दोनों बॉक्स किसका एग्जाम्पल है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल का एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल को भी समझ लिया और क्रॉसपोंडिंग एंगल यानी संगत कोण को भी समझ लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। अब दोबारा से मैं इस लाइन को भी मैं मिटा रहा हूं। चलो मैं दोबारा से ड्रा करता हूं। बोर्ड थोड़ा क्लीन रहता है ना, तो सारी चीज समझाने में थोड़ा अच्छा लगता है। 2 समानांतर लाइन था और ये ट्रांसवर्स लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यही एंगल बने थे ना। अभी यहां पर देखो, अभी हमको दो चीजें अभी समझनी है, एक तो इंटीरियर एंगल और दूसरा एक्सटीरियर एंगल, दोनों को साथ में समझते हैं। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो समानांतर लाइन है दोनों के अंदर में जो है वह इंटीरियर, और दोनों के जो बाहर में है वो एक्सटीरियर, ऐसा कहा जा सकता है। इंटीरियर यानी अंतर और एक्सटीरियर यानी बाह्य, बाहर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो 3 और 5 जो 3 है और एंगल 5 है इसको जोड़ने पर 180 डिग्री होगा, और एंगल 4 और एंगल 6 इसको जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और देखो ये दोनों जो एग्जाम्पल जो है वह किसके हैं, तो इंटीरियर एंगल के एग्जाम्पल है, क्योंकि 3, 5, 4 और 6 जो है वह इन दोनों समानांतर रेखाओं के अंदर में है, इंटीरियर में है, इसलिए इसे इंटीरियर
एंगल का हम एग्जाम्पल बोलेंगे। उसी तरह से जब आप यहां पर देखो, अगर बाहर की तरफ यानी इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से अभी यहां पे हम देखेंगे बाहर, ऊपर का मतलब बाहर, बाह्य, यहां पे कौन सा शब्द आता है, बाह्य, एक्सटेरियर, यानी इस लाइन से बाहर और इस लाइन से बाहर। तो हम कह सकते हैं यहां पे, मैं इसको मिटा दूं, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलो ले लो, ओके। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल वन और प्लस एंगल सेवन इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, और एंगल टू प्लस एंगल एट क्या होगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। दिख रहा है ना, एंगल वन और एंगल सेवन ये क्या है, बाहर की तरफ है, और एंगल टू और एट ये भी बाहर की तरफ है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री का होगा। और एक किसका उदाहरण है, तो यह एक्सटेरियर एंगल, बाह्य कोण का एग्जाम्पल है। आई थिंक कि अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी सोचा था कि जब मैं टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाऊंगा ना, तो पूरा 15 का 15 टाइप एक साथ पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। यह क्लास ज्यादा लंबा चला गया क्या, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई ना, या मेरा पूरा पढ़ाया हुआ मेहनत यू ही बेकार चला गया? आप मुझे कमेंट करके बताना। जब आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चल सकता है। जब आप क्लास में रहते थे तो मैं सामने से पूछ लेता था, आप भी मुझे बता देते थे, लेकिन अभी तो जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा, अभी तो ऐसा भी नहीं बोल सकते चिट्ठी लिख दो यार, हाँ अब तो कमेंट का जमाना है, तो कमेंट करने को बोलेंगे ना, तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको वह फायदे पहुंचा रही है, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।